नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल के बाद साउथ अफ्रीका के साथ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। उस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। इस ऐलान के साथ ही कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों। सवाल कई खिलाड़ियों पर है, सवाल कई खिलाड़ियों की पोजीशन पर है, सवाल कई खिलाड़ियों के ना चुनने पर भी है। सबसे पहला सवाल, ऋषभ पंत को कप्तानी क्यों, जबकि सबको पता है कि आईपीएल 2022 में ऋषभ पंत की कप्तानी पर कितने सवाल खड़े हुए। खुद रिकी पोंटिंग ने, जो हेड कोच है दिल्ली कैपिटल के, उन्होंने कहा है कि ऋषभ पंत अभी सीख रहे हैं, उसके बावजूद ऋषभ पंत को भारतीय टीम में उपकप्तान बनाया जाता है, जबकि हार्दिक पांड्या जो बेहतर है ऋषभ पंत से, हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाया जाता। श्रेयस अय्यर जो ऋषभ पंत से बेहतर हैं, श्रेयस अय्यर को कप्तान नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं ऋषभ पंत को कप्तान बनाए जाने पर। एक सवाल खड़ा हो रहा है संजू सैमसन के ना चुनने पर। संजू सैमसन, जिसने आईपीएल 2022 में शानदार बल्लेबाजी की है, जिसने शानदार अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित किया है, अपनी टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाया है, जबकि ऋषभ पंत अपनी टीम को प्लेऑफ तक पहुंचा भी नहीं पाए, उसके बावजूद संजू सैमसन को मौका नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों आखिरकार चयनकर्ताओं ने जिस वक्त टीम को चुना था तो उनके जहन में क्या भविष्य है या केवल ये सीरीज, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं राहुल त्रिपाठी के ऊपर। राहुल त्रिपाठी, जिसने आईपीएल 2022 के पूरे सीजन में खूब बल्ले से कमाल किया है, शानदार तरीके से रन बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद राहुल त्रिपाठी को आईपीएल 2022 के बाद जो सीरीज होनी है उसके लिए मौका नहीं मिला है। यहाँ पर सवाल है कि आखिर चयनकर्ता क्या चाहते हैं, क्या उन्हें इनफॉर्म बल्लेबाज को खिलाना है या फिर आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज को खिलाना है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को टीम में रखा गया है, तो यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद अगर चयनकर्ता भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, टी20 विश्व कप के बारे में खिलाड़ियों के चुनने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि टी20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में होना है और ऑस्ट्रेलिया जैसी उछाल भरी पिचों पर आपको नौजवान नहीं, तजुर्बा काम आएगा। आईसीसी टूर्नामेंट में उस खिलाड़ी का तजुर्बा काम आएगा जो हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट में बढ़िया करता है। नाम है शिखर धवन। शिखर धवन को इस टूर्नामेंट में नहीं चुना गया। फिर इस तरीके से सवाल खड़े हुए कि आखिर बीसीसीआई और चयनकर्ता क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्या आपकी टी20 विश्व कप की तैयारी ये नहीं है। अगर टी20 विश्व कप की तैयारी नहीं है तो फिर साउथ अफ्रीका दौरे को आखिर किस तरीके से, किस नज़रिए से बीसीसीआई देख रही है। ये कई सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं बीसीसीआई के ऊपर, चयनकर्ताओं के ऊपर, जिस तरीके से इस टीम को चुना गया है, क्योंकि इस टीम में कई तरीके की खामियाँ हमें नज़र आ रही हैं, कई तरीके की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। जिस खिलाड़ी की इनफॉर्म है, जिस खिलाड़ी ने रन बनाए उसे मौका दिया नहीं गया, जिस खिलाड़ी ने कप्तानी से बेहतर करके दिखाया उस खिलाड़ी को कप्तान बनाया नहीं गया, ये बहुत बड़ी चीज़ें इस आईपीएल 2022 के बाद जो अफ्रीका दौरा होना है उसकी जो टीम है उसमें समझ में आ रही हैं। तो इसके बाद में हम कह सकते हैं कि संजू और हार्दिक, तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो आपका इस पूरे चयन प्रक्रिया पर, पूरी इस टीम पर क्या कहना है, कहां कहां गलतियां आपको लगती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।